अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और डिलीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा ली थी। अब इस वीडियो में हम अपने कार्ट की ओवरऑल क्वांटिटी और ओवरऑल प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक समरी बॉक्स है और यहाँ पर मेरे पास कार्ट की ओवरऑल क्वांटिटी और ओवरऑल प्राइस शो हो रही है। तो सबसे पहले हम ये जो समरी बॉक्स है इसको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के बाद बना लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताऊं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में एक चेंजिंग की है, और वो ये कि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे 6 का नंबर शो हो रहा है, और यही नंबर मेरी यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है इस आइकन के ऊपर। तो बेसिकली चेंजिंग ये की है कि जब हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे मुझे इंडिकेट होगा कि मेरे पास कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर भी मुझे 4 का नंबर शो होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास अगर 5 प्रोडक्ट्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्ट्स ओन क्वान्टिटी, तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, यानी ये फायर स्टोर में मेरे पास जैसे यहाँ पर 3 है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी मेरे पास 4 का नंबर शो होना चाहिए। और यहाँ पर हम अपने कार्ट की ओवरऑल क्वांटिटी को शो करा देंगे, जैसे कि 1+2+3+2+5+1=6। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 का नंबर शो होना चाहिए। तो ये मैंने चेंजिंग की अपने प्रोजेक्ट में। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो समरी बॉक्स है इसको यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। तो इसके लिए जो मेरा समरी बॉक्स का कोड है वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट से। और ये मेरी cart.js की फाइल है, इसको हम यहाँ पे ये जो डिव है प्रोडक्ट्स बॉक्स का जो हमने कोड कॉपी किया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लेते हैं। और ये जो डिवीजन है ये शायद मैंने एक एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया है, तो इसको हटा देते हैं। अब ये हो गया मेरे पास समरी बॉक्स का डिव, और ये हो गया मेरे पास कंटेनर फ्लूट का डिव। अब ये जो आप एक बटन देख रहे हैं मेरे पास, ये वाला जो बटन है ये स्ट्राइप चेकआउट का बटन है। तो इसके लिए हमें ये जो बटन है इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और ये बटन इम्पोर्ट करने के लिए हमें रिएक्ट स्ट्राइप चेकआउट को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में। तो इसके लिए हम npm i और पैकेज नेम लिखेंगे, देन इसको इंस्टॉल करते हैं। ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया है। और अब हमें यहाँ पे विद कार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है स्ट्राइप चेकआउट से। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक पॉपअप बॉक्स है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे कि स्ट्राइप से हम पेमेंट किस तरह ले सकते हैं। तो अब हम अपने कार्ट की क्वांटिटी और प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अभी तो मैंने ऐसे ही हार्ड कोड किया हुआ है, लेकिन इससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग के मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे हम कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी रखें। तो मे बी इन फ्यूचर वीडियोस यहाँ पे मैं एक कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी ऐड कर दूँ। तो कैश ऑन डिलीवरी डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन जो मुझे एक तरीका समझ में आ रहा है वो ये है कि जब यूज़र इसे कैश ऑन डिलीवरी को ऑप्शन पे क्लिक करे तो हमें बेसिकली एक फॉर्म रिक्वायर्ड है। अब ये जो फॉर्म है ये हम एक पॉपअप मॉडल में दिखा सकते हैं इस तरह, या फिर हम यूज़र को एक डिफरेंट राउट की तरफ रिडायरेक्ट करवा सकते हैं और वहाँ पे हम एक फॉर्म शो करवा सकते हैं। तो बेसिकली इस फॉर्म से हम यूज़र का नेम, ईमेल और रेसिडेंशियल एड्रेस और सेल नंबर एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस फॉर्म में हमारे पास दो फील्ड होंगी और ये दोनों फील्ड रीड ओनली होंगी।
और ये दोनों फील्ड्स, एक फील्ड होगी हमारे पास टोटल प्राइस टू पे और एक होगी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों फील्ड्स, इनकी जो वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे, और टोटल प्राइस टू पे ये भी हम अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यूज हम अपनी इन दोनों फील्ड्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये दो फील्ड्स हमारे पास रीड ओनली होंगी, और इसके अलावा चार फील्ड से इनका जो इनपुट है हम यूज़र से गेट करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास सबमिट बटन है, जब यूज़र इस सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो हम अपने फायरस्टोर डेटाबेस में उस यूज़र का एक कलेक्शन बनाएंगे कि बायर इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हमारे पास वो जो हमने फॉर्म से डेटा गेट किया है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। जब ये वाला प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कार्ट का कलेक्शन, जो भी यूज़र लॉग्ड इन होगा, जिसने भी फॉर्म अभी सबमिट करवाया है, उस लॉग्ड इन यूज़र का हम एक ये जो कार्ट का कलेक्शन है ये गेट करेंगे। जब हमारे पास ये कार्ट का कलेक्शन गेट हो जाएगा, फिर हम एक और कलेक्शन बनाएंगे कि बायर कार्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये तमाम डेटा, इसको इस तरह समझे कि हम कॉपी करके इस नए कलेक्शन में पेस्ट कर देंगे। तो जब हमारा ये वाला प्रोसेस भी हो जाएगा, फिर हम अपना ये जो कार्ट का कलेक्शन है इसको डिलीट कर देंगे। ये कार्ट का कलेक्शन डिलीट करने से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स डिलीट हो जाएंगे। हम यहाँ पे यूज़र को एक सक्सेस मैसेज शो करा सकते हैं कि योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, और उसके बाद हम यूज़र को अपने मेन राउट पर रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कार्ट की क्वांटिटी और प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। पहले हम अपने कार्ट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास हर प्रोडक्ट की अपनी एक क्वांटिटी है। यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पे मेरे पास 1 है। तो बेसिकली मेरे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और मेरे पास उस एरे के हर ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है क्वांटिटी की। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग को अनकमेंट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एरे है, और इस एरे में मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये तीनों ऑब्जेक्ट मेरे पास ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं इसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस एरे में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी है qty। तो हमें करना ये है कि हमें एक नया एरे बनाना है, और इस नए एरे में ये जो qty की वैल्यूज़ हैं 1, 3 और 3, इन वैल्यूज़ को अपने नए एरे में पुश कर देना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने कार्ट प्रोडक्ट्स पर मैप का स्टेटमेंट चलाएंगे, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे कार्ट प्रोडक्ट डॉट qty। अब अगर यहाँ पर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग qty करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे है, और इस एरे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो qty की वैल्यूज थी 3, 3 और 1, ये अब हमारे इस नए एरे में मौजूद हैं। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें अपने कार्ट की ओवरऑल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें इन तीनों वैल्यूज का सम चाहिए। तो सम हम रिड्यूस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये टोटल qty कंसोल करके दिखाऊं, तो होपफुली हमारा जो एरे था और उस एरे में जो हमारे पास वैल्यूज थी, हमें उन वैल्यूज का सम मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 7 का जो रिजल्ट है ये हमें अब मिल गया है। तो हमें क्या करना है, ये जो 7 नंबर है ये हमें यहाँ पे शो कराना है। तो इसके लिए सिंपली हम इस वेरिएबल को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इस 10 को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमें 7 का नंबर शो हो गया। अब हमें टोटल प्राइस टू पे कैलकुलेट करनी है और इसका प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से प्राइस की वैल्यू को सेपरेट करना होगा, जिस तरह हमने क्यूटी वाई की वैल्यू को सेपरेट किया था। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें जो एक के प्राइस की वैल्यूज के साथ एक नया एरे मिलेगा उस पर हम रिड्यूस का मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें टोटल प्राइस टू पे मिल जाएगी। तो टोटल प्राइस कैलकुलेट करते हैं। और सबसे पहले अपने कार्ट प्रोडक्ट से जो प्राइस है उसको एक के सेपरेट एरे में पुश कर देते हैं। और मेक श्योर कि आप टोटल प्रोडक्ट प्राइस को सेपरेट करें। प्राइस और टोटल प्रोडक्ट प्राइस इज अ डिफरेंट थिंग। जो हमारे पास प्राइस है वो ये चीज है, लेकिन हमें जो सम कैलकुलेट करना है वो हमें इन वैल्यूज का करना है। और ये जो वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं टोटल प्रोडक्ट प्राइस को। एक्चुअली इट इज टोटल प्रोडक्ट प्राइस। अब हमने अपने प्राइस के वेरिएबल पर रिड्यूस का मेथड चलाया तो जो भी हमारे पास सम होगा वो हमें इस टोटल प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस 400 को रिप्लेस कर देते हैं टोटल प्राइस से। अब चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल प्राइस भी कैलकुलेट हो गई है और ये जो रिजल्ट है ये सम है हमारे पास इन वैल्यूज का। तो अब हमें क्या करना है, हमने अपने कार्ट की ओवरऑल क्वांटिटी और ओवरऑल प्राइस को कैलकुलेट कर दिया, लेकिन अब हमें यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाना है कि हमारे कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमारे कार्ट में 3 प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे हमें 3 का नंबर शो कराना है। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपनी home.js में। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने का कोड था मैंने उस पर पहले ही वर्किंग कर ली थी और मैंने जो कोड है वो कमेंट करके रखा हुआ था। तो बेसिकली मेरे पास एक स्टेट है टोटल प्रोडक्ट्स और सेट टोटल प्रोडक्ट्स, ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 थी। उसके बाद मैंने क्या करना है, गेटिंग कार्ट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर मैंने एक यूज इफेक्ट का हुक यूज किया है और ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड का फंक्शन चलाया है जो कि हमें देता है करंट यूजर। ये इसलिए किया क्योंकि हमें यूजर की यूआईडी चाहिए थी। उसके बाद मैंने एक इफ का स्टेटमेंट चलाया है और चेक किया है कि अगर हमारे पास यूजर लॉग्ड इन है, अगर यूजर हमारे पास लॉग्ड इन होता है तो हमें यूजर का कार्ट का कलेक्शन फेच करना है, कार्ट प्लस यूजर डॉट यूआईडी। इस पर हमने ऑन स्नैपशॉट का मेथड चलाया है
और एज अ कॉल बैक लिया है स्नैपशॉट। अब इस कोड के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है कॉन्स्ट qty इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट लेंथ। बेसिकली ये लाइन हमें क्या देती है, ये हमें प्रोवाइड करती है, यहाँ पे मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास चार प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो भी लेंथ होगी मेरे डॉक्यूमेंट्स की वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया है, सिंपल ये वाला सेट टोटल प्रोडक्ट्स इसको ट्रिगर किया है और उसको प्रोवाइड कर दिया क्यू टी वाई। अब हमें क्या करना है, ये जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं ये प्रॉप पास करा देने हैं, इसको एज अ प्रॉप पास कराना है अपनी नैव बार में। तो टोटल प्रोडक्ट्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट्स। अब अगर हम अपनी एप्लीकेशन चल के देखें तो होपफुली हमें यहाँ पे 3 का नंबर शो होना चाहिए। और ये 3 का नंबर शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि नेव बार में हमने ये रिसीव किया हुआ है टोटल प्रोडक्ट्स, लेकिन हमें क्या करना है, इस स्पैन के एलिमेंट को अनकमेंट करना है। और अब अगर हम चल के देखें तो अभी भी हमें यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, वो इसलिए कि क्योंकि अभी हम इस कार्ट के राउट पे हैं। और अगर हम अपने मेन राउट पे जाएं तो यहाँ पे हमें 3 का नंबर शो हो रहा है और हमारे कार्ट में 3 ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इस राउट में जो हमारे पास नैव बार है उसमें हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन मेन राउट पे हमें ये 3 का नंबर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और कोई भी एलिमेंट ऐड करूँ, जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, सीसीटीवी, हैंड्स फ्री और रेडमी नोट 10, तो यहाँ पर मैं एक एलईडी ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 का नंबर ऐड हो गया। और अगर हम चलते हैं हमारे फायर स्टोर में भी हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये ऐड हो गया होगा, रेडमी नोट 10 एलईडी, सीसीटीवी कैमरा और हैंड्स फ्री। तो हमारा ये वाला कलेक्शन था। तो हमारे होम राउट पर जो नैव बार है उसमें हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि हमारे कार्ट में कितने प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारे कार्ट में हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हैं। तो कार्ट में कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल इस पूरे कोड को करना है कॉपी और कार्ट डॉट जेएस में यहाँ पे कर देना है इस कोड को पेस्ट। अब हमें ये टोटल प्रोडक्ट्स, इस टोटल प्रोडक्ट्स को एज अ प्रॉप पास करा देना है नैव बार में। और अब हमारे कार्ट के राउट पर जो नैव बार है वहां पर भी हमें ये 4 का नंबर शो हो रहा है, अपने मेन राउट पे भी हमें ये 4 का नंबर शो हो रहा है और कार्ट के राउट पे भी हमें ये 4 का नंबर शो हो रहा है, लेकिन हमारे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास 8 हैं, 3 + 1 + 3 + 1। मैं अगर यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट्स ऐड करूँ, ये मैंने DSLR कैमरा और हेडफोन्स ऐड किए, तो यहाँ पे हमें 6 का नंबर शो हो रहा है और यहाँ पर भी हमें 6 का नंबर शो हो रहा है, जबकि हमारे कार्ट की ओवरऑल क्वांटिटी 10 है। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये फंक्शनैलिटी अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। अब मुझे दें इजाज़त, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में स्ट्राइप चेकआउट के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।